कैसे हो बॉबी, मैं बाजार जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे हाथ में जो रेडियो है वो तो बड़ा सोना है। वो तो है, पर ये चल नहीं रहा है। मैं इसकी मरम्मत के लिए ही जा रहा हूँ। मैं उस रेडियो को ठीक कर सकता हूँ। मैंने अपने पापा को ये काम करते हुए देखा है। तुम कर सकते हो? बिल्कुल, और इससे तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। आओ अंदर आओ। आओ चलो मेरे रूम में चलते हैं। बॉबी ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इस रेडियो के सारे पुर्जे निकाल तो दिए, पर मुझे मालूम नहीं इन्हें कैसे लगाऊं। इसका मतलब तुम्हें इसे ठीक करना नहीं आता। तुमने मुझसे झूठ कहा। मैंने पापा को देखा था करते हुए, पर तब तो मुझे बड़ा आसान लगा था। पर अब मैं क्या करूं? अब तो दुकान वाला भी मेरे रेडियो को इस हालत से ठीक नहीं कर पाएगा। मुझे माफ कर दो पीट। चलो माया को बुलाते हैं, शायद वो हमारी मदद कर सके। हाँ माया को बुलाते हैं। माया प्लीज आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। कैसे हो पीट? कैसे हो बॉबी? क्या चल रहा है? अरे इस रेडियो को क्या हुआ है? मैं इसे ठीक कराने जा रहा था। बॉबी ने कहा वो इसे ठीक कर देगा, लेकिन ठीक करने के बजाय उसने और बिगाड़ दिया। लेकिन माया मुझे लगा था मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैंने पापा को देखा था कई रेडियो ठीक करते हुए, कई बार देखा। बॉबी रेडियो को ठीक करना तुम्हारा काम नहीं था। तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल उन बंदरों के जैसा था जो ऐसे काम करने गए जिसे उनका दूर तक का कोई संबंध नहीं था। वो कौन से बंदर और क्या काम करने गए थे? बहुत दिनों पहले की बात है, भारत मानचित्र के बीचों बीच एक शहर में एक मंदिर बनाया जा रहा था, शहर से ठीक बाहर, उन यात्रियों के लिए जो दूर से आ रहे हों। सारे कारीगर अपने काम करने में व्यस्त थे। जिस जगह मंदिर बन रहा था उसके कुछ ही दूरी पर कुछ बंदर पेड़ पे चढ़ते थे और इन कारीगरों के कामकाज को रोज देखा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर आ पहुंचा है, हमें भोजन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तुमने सही कहा, मैंने पेड़ के इस बड़े से हिस्से का आधा तो काट दिया है, अब कटे हुए हिस्से में एक बिल्ला डाल देता हूँ। चलो हो गया। हमारी गैर मौजूदगी में बंदर कहीं उधम न मचाने लगे। अब तक तो उन्होंने कोई हरकत नहीं की, उन्हें भूल जाओ। जरा उन आदमियों को तो देखो, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ हमें उनकी मदद करनी चाहिए, आखिर वो मंदिर जो बना रहे हैं। लेकिन हमें उनकी तरह काम करना जो नहीं आता। पर हम तो उन्हें इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, ये उतना भी मुश्किल काम नहीं। और इस तरह उन सारे बंदरों ने मंदिर के स्थान पर पहुंचकर उन कर्मचारियों की नकल उतारनी शुरू कर दी। वो आदमी इस लाठी के साथ क्या कर रहा था? हाँ वो तो इसे काट रहा था, पर मैं इस बिल्ले के बीच में रहते इसे कैसे काट सकता हूँ? पहले मैं इसे खींच के बाहर करूँगा। और वो बंदर उस बिल्ले को बाहर खींचने की कोशिश करता रहा और नाकाम होता रहा। उसने और जोर लगाया और फिर भी नाकाम रहा। हाँ मैं कर सकता हूँ, थोड़ा और, थोड़ा और जोर से। बचाओ, बचाओ। सारे बंदर उसके पास पहुँच गए उसकी मदद करने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बंदर का पूरा शरीर उस कटे हुए पेड़ के दोनों हिस्सों के बीच फंसकर रह गया। जब वो दोनों हिस्से बंद होने आए तो बंदर का पूरा शरीर उसके बीच पिस गया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। उस बेचारे ने इसलिए अपनी जान गंवाई क्योंकि वो ऐसा कुछ करने गया था जिससे उसका कोई संबंध ही नहीं था। तो देखा बच्चों, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कोई संबंध ना हो। बॉबी रेडियो को ठीक करना तुम्हारा काम नहीं था, वो तो सिर्फ एक रेडियो था, उससे तुम्हें चोट भी पहुंच सकती थी। तुम सही कह रही हो माया,
मुझे अपनी शिक्षा मिल गई है, पर ने तो पीट का रेडियो खराब कर दिया। ये रेडियो सचमुच ही मेरा बहुत पसंदीदा था। पीट, इस रेडियो को तो मैं खुद भी सही नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही एक और रेडियो दे सकती हूँ। क्या बात है, ये लो पीट, क्या तुम्हें तोहफा पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। ये तो बिल्कुल मेरे पुराने रेडियो के जैसा ही है। इस सुंदर से तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माया। कहानी के लिए भी तुम्हें धन्यवाद। पीट, बॉबी, इन कहानियों को याद रखना और इनसे जो शिक्षा मिलती है उसे कभी मत भूलना, फिर तुम जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। और हाँ, इन कहानियों को अपने सारे दोस्तों को सुनाना ताकि उन्हें भी इन कहानियों से अच्छी शिक्षा मिले। हम ऐसा ही करेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है बच्चों? हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कोई संबंध ना हो। बहुत अच्छे बॉबी, अब तुम दोनों इस रेडियो पे अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हो। और अब मैं चलूंगी, फिर अगली बार मुलाकात होगी। तो फिर अलविदा बच्चों। अलविदा माया। बाय बाय माया। बाय बाय बॉबी। बाय बाय पीट।